चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पैराग्राफ टू होमवर्क में आपको दिया था जी पढ़ने के लिए, अश्योरेंस, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। सो एनी ऑब्जर्वेशन जी? 2.1, 2.2 and 2.3 जी। तो उसके लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क है और ज्यादा एफर्ट है, ज्यादा टाइम चाहिए और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी है। अगर वो बैंक से, अगर देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है फिर तो ऑडिट ही कराना है, फिर तो चॉइस ही कोई नहीं है। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है जिसके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, वो बैंक से लोन लेने जाती है, बैंकर कहता है कि जी आप इस पर अश्योरेंस लेके आए, तो उससे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी अश्योरेंस चाहिए। वो कहेगा ऑडिट करा लें, हम कहेंगे ऑडिट में तो फिर बड़ा टाइम लगेगा, वेट करो। कहेगा नहीं नहीं ठीक है फिर आप लिमिटेड अश्योरेंस करा लें। सो अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड रिजल्ट चाहिए क्या आपको, इस चीज़ का मतलब है। अच्छा, इसमें मोर इम्पोर्टेंटली जो अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन है वो आप कुछ समझ में आती है एलिमेंट्स पढ़ने के बाद। वैसे बड़ी मुश्किल किस्म की डेफिनेशन है बट एक दफ़ा पढ़ते हैं और लेट्स सी कि अब हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। पेज नंबर 6, अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर एम्स टू ऑब्टेन sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the subject matter information, that is the outcome of the measurement or evaluation of underlying subject matter against criteria. So wohi words hai, practitioner, intended user, responsible party, subject matter जो कि financial statement होती, criteria जो कि IFRS है, और किसका confidence increase करना है हमने intended user का basically, other than responsible party, उनको तो पता है ये सही है या गलत है लेकिन हम किसी और के लिए engagement perform करें। तो इसी definition से actually ये 5 elements हमने CREST बनाए थे, ये यहाँ से बनते हैं उसके अंदर। So 5 elements और level of assurance, कितनी लेवल ऑफ अश्योरेंस हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं? 2, थ्योरेटिकली स्पीकिंग 3 हो सकते हैं। एक एब्सोल्यूट अश्योरेंस हो सकती है, वो होती कोई नहीं है, एक्चुअली वो होती कोई नहीं है। तो मैक्सिमम जो हम अपनी अश्योरेंस दे सकते हैं वो है रीजनेबल, दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस। और फिर दूसरी है लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड अश्योरेंस जो कि हम, तो अगर मैं आपसे पूछूं रीजनेबल अश्योरेंस कौन सी एंगेजमेंट में यूज करते हैं? ऑडिट। और जो लिमिटेड अश्योरेंस है वो किस? रिव्यू के अंदर, रिव्यू के अंदर, बिल्कुल ठीक। और आपको याद होगा कल हमने डायग्राम के बिल्कुल एंड पे जहां ऑडिट और रिव्यू वाला हमने सेक्शन बनाया था उसके नीचे हमने एक वर्ड लिखा था, एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, और रिव्यू के नीचे लिखा था नेगेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ये मैं थोड़ा सा जस्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि ऑडिट में हम अपना जब ओपिनियन देंगे तो वो पॉजिटिव फॉर्म के अंदर देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, या हम स्ट्रेट कहेंगे ठीक नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गिव इट टू एन फेयर व्यू, या हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव इट टू एन फेयर व्यू, या प्रेजेंट फेली नॉर्मल, जो बात है सीधे तरीके से कहेंगे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन।
नेगेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम अपने ओपिनियन और जरा नेगेटिव फॉर्म के अंदर, अगर हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल सही है, इस बात को भी हम एक नेगेटिव फॉर्म में कहेंगे। कैसे? ये हम रिपोर्ट का फॉर्मेट देखेंगे चैप्टर 15 में। अगर आप अभी भी चाहें तो चैप्टर 15 के अंदर जाके रिव्यू रिपोर्ट का एक फॉर्मेट निकालिएगा, जो मैं बोलने लगा वो लिखा हुआ है, वो कंक्लूजन पैराग्राफ में हम लिखेंगे, इन आर कंक्लूजन नथिंग हैज कम टू आर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। अब जरा इस लैंग्वेज पे गौर करें, इसका क्या मतलब है? नथिंग हैज कम, यानी हमने स्टार्ट किया नेगेटिव, नथिंग हैज कम टू आर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ए ट्रू एंड, हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? ठीक है, हम कह रहे हैं हमारे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम समझेंगे ये ठीक नहीं है, मतलब ये ठीक है। तुम सीधी तरह क्यों नहीं कह रहे कि भाई ये ठीक है, हम इतना घुमा फिरा के कान को सीधे तरीके से पकड़ने दे, ऐसे घुमाएंगे नथिंग है इसका, उसको भी तो वो कहेगा सीधे तरीके से लिख दे, हम कहेंगे सीधे तरीके से लिखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, इतने पैसों में इसी किस्म का जवाब मिलेगा, समझ आता तो ठीक है बट हम तो यही देंगे। सो नथिंग, सो ये है नेगेटिव फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, हम जरा नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर लेके चलेंगे चीजों को। नथिंग, तो आपको पता है ना माइनस माइनस दो माइनस हो तो वो प्लस हो जाते हैं, तो हम कहेंगे देखिए ये नथिंग से शुरू किया है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट, तो ये नथिंग ने नॉट को क्रॉस कर दिया तो फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है आपकी। वो क्या सीधी तरह लिखते फिर कहेंगे पैसे ज्यादा दे हुए, यानी कि ऑडिट कराएं फिर, तो रिव्यू के अंदर इस तरह का अश्योरेंस मिलती है। अच्छा जी, पैराग्राफ 4 के ऊपर आते हैं, हमने पैराग्राफ 1 कंप्लीट कर लिया, पैराग्राफ 5 कंप्लीट कर लिया, पैराग्राफ 2 और इस चैप्टर के अंदर दो पैराग्राफ रह गए हैं 4 और 3। तो अभी हम एक छोटा सा एक पैराग्राफ है, छोटा तो नहीं है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ड्राई है, थोड़ी इसमें थ्योरी है, और फिर उसके बाद इस चैप्टर में अगर कोई मेन पैराग्राफ है जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज पैराग्राफ 3, तो फिर हम पैराग्राफ 4 खत्म करके फॉरन 3 पे आते हैं। जी, उसमें तो उसमें अश्योरेंस नहीं दे रहे हम कोई, उसमें क्लाइंट कह रहे हैं बस आप खड़े हो जाएं, चेक करें कि मेरे कंट्रोल्स ठीक काम करें कि नहीं करें। नहीं, वो असाइनमेंट का एक नाम है इंटरनल ऑडिट, ये कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं जो कंपनी के बिहाफ के ऊपर उनके लिए कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो कंपनी की मैनेजमेंट कहती है आप ऐसे चेक करें, यहाँ खड़े हो जाएं, आप एम्प्लॉईज का अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करें, आप स्टॉक काउंट करें और आप देखें कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो दैट इज नॉट एन अश्योरेंस, क्योंकि इसमें कोई तीसरी पार्टी नहीं है, इसमें तो हमने जो काम भी करना है किसके लिए करना है, मैनेजमेंट के लिए, और रिपोर्ट किसको बना के देनी है, मैनेजमेंट को, या तीसरी पार्टी आई कोई नहीं। इंटरनल ऑडिट एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इसका एक्सटर्नल वर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। अश्योरेंस के लिए ना एक एक्सटर्नल पार्टी होना जरूरी है जिसको अश्योरेंस की जरूरत है, ठीक है? तो आपका पॉइंट अच्छा है बट दिस इज हाउ इट इज। जी हाँ, वो अश्योरेंस उस सेंस में तो अश्योरेंस है बट वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सटर्नल ऑडिट आईएसएस उसको कवर नहीं करेंगे। हमने कहा इंटरनल ऑडिट के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, आईएसआरएस, वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, सो वो ना यानी कि हर एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, तो अगर एक्सटर्नल ऑडिट करना है तो आईएसएस से, इंटरनल ऑडिट करना है तो आईएसआर। सो कितने टाइप के स्टैंडर्ड्स हमने कल देखे हैं, एक चार टाइप का, मेरे ऑफिस में मेरे शेल्फ में चार तरह के स्टैंडर्ड्स पड़े हुए हैं, कोई क्लाइंट आता है तो मैं पहले ये सेटल करता हूँ कि कौन से स्टैंडर्ड, अगर ऑडिट आईएसएस तो आईएसएस के मुताबिक, रिव्यू एंगेजमेंट है तो आईएसआर ही निकालेंगे, अगर एक वो तीसरी तरह की अश्योरेंस एंगेजमेंट थी आईएसएई जिसमें नॉन हिस्टोरिकल या नॉन फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर्स थे तो फिर वो तीसरे सेट ऑफ स्टैंडर्ड, और अगर वो कह रहे जी रिलेटेड सर्विसेज मुझे चाहिए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स या कॉम्पाइलेशन एंगेजमेंट तो फिर आईएसआर। तो ये हमने ना हर काम को करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट रूल्स हैं उसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी, पैराग्राफ 4, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो ऑडिटिंग का प्रोफेशन है और कल हमने देखा ऑडिटिंग के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये कौन बनाता है, इसकी अथॉरिटी कहाँ से आती है, इसकी बैकिंग कहाँ से है, ये कहाँ पे बन रहे हैं, कौन बना रहा है, आईकैप नहीं बना रहा इन स्टैंडर्ड्स को। यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ 4 में आए, पैराग्राफ 4.2, यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन टू आईफेक एंड IAASB, एक छोटी सी डायग्राम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, एक बॉडी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स,
अच्छा जी, ये समझ लें हमारी ऑडिटिंग प्रोफेशन की एक पेरेंट बॉडी है। बाय द वे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसकी पेरेंट बॉडी कौन है जो आप रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स करते हैं? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, वो IFRS और सारे स्टैंडर्ड्स इशू करता है। हमारे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इस रिजीम से आ रहे हैं, IFAC और IAASB, जिसका हम रोल देखने लगे हैं यहाँ पे। सो टॉप पे एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है, और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को लुक आफ्टर करते हैं वर्ल्ड ओवर। और जो ये फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, ये समझ लें कि जो हमारे ऑडिट का प्रोफेशन है उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे सिलेबस में थोड़ा थोड़ा इनकी डेफिनेशन है, कभी आज तक टेस्ट नहीं हुआ कि IFAC क्या होता है, IFAC का रोल क्या है, ड्यूटीज के और IAASB है, और चूंकि सिलेबस में देख लेना चाहिए, नेवर नो के 2-3 marks के लिए थोड़ा सा इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर हम पेज नंबर 12 पे आए, यहाँ पे 4.2 पैराग्राफ में एक डेफिनेशन है IFAC की, इसकी प्रोनंसिएशन IFAC भी कहते हैं और IFAC भी कहते हैं, है ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ओके, सो पेज नंबर 12, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, कोई इतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ICAP इज ए मेंबर ऑफ IFAC एंड IFAC इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अकाउंटेंसी प्रोफेशन, या अकाउंटेंसी से मुराद है कि अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स इन जनरल। इट इज डेडिकेटेड टू सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्ट्रेंथनिंग द प्रोफेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल इकोनॉमीज। IFAC हैज 175 मेंबर्स एंड एसोसिएट्स इन 130 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, representing approximately 3 million accountants in public practices, education, government service, industry and commerce. So ICAP, ICAW, ICMAP, ये जो bodies हैं ये IFAC की members हैं। इसका मतलब है फिर IFAC जो भी pronouncement issue करेगा वो उसकी member bodies के लिए binding होगी कि वो उनको follow करें। और जो नेचुरल पर्सन है लाइक मी और इंशाल्लाह आप सारे लोग प्रोस्पेक्टिव, हम सारे मेंबर्स होंगे IKEP के और IKEP मेंबर है IFAC, तो अगर IFAC को प्रोनाउंसमेंट बनाती है तो IKEP के लिए बाइंडिंग है, जो चीज़ IKEP के लिए बाइंडिंग है वो उसके मेंबर्स के लिए भी बाइंडिंग है। सो दिस इज हाउ होल स्ट्रक्चर गोज। सो 175 जो मेंबर्स हैं उसमें IKEP एक है, फिर 3 million अकाउंटेंट जो है उसमें से एक मैं हूँ, और ये फिगर बढ़ जाएगी जो ही जब आप क्वालिफाई करेंगे, तो ये 3.0102 million इस तरह बढ़नी शुरू होती जाएगी, सही है? तो ये आप भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद IFAC ने ना अपने काम कुछ डिफरेंट बोर्ड्स बना दिए, ज़रा टास्क डिवाइड कर दिए हैं IFAC के अंदर। ये डिफरेंट बोर्ड्स, ये यूजली आखिर में जो बी है दैट स्टैंड फॉर बोर्ड, डिफरेंट बोर्ड्स बना दिए। और अगर आप देखें पेज नंबर 12 के बिल्कुल बॉटम पे, इन बोर्ड्स की कुछ एक्सप्लेनेशन है। ये कुछ बोर्ड्स हैं और भी बोर्ड्स हैं इसके अलावा, लाइक IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बोर्ड, फिर इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटिंग अकाउंटेंट्स, और यहाँ से हमारे एक सिलेबस का एक पार्ट आएगा कोड ऑफ एथिक्स, वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर। और फिर इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और इस तरह और भी है। तो ये जो बोर्ड है, ये जो कल हमने स्टैंडर्ड्स देखे थे टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, इसकी जिम्मेदारी है कि इन स्टैंडर्ड्स पे काम करता रहे। इस बोर्ड का काम ये है कि कोड ऑफ एथिक्स पे काम करता है। ये बोर्ड जो है ये एजुकेशन के ऊपर काम करता रहता है। ये जो हमारी एजुकेशन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या उसके बाद हमने ऑडिट करने हैं, तुम्हारी एजुकेशन क्या होगी, ये सब IFAC और IASB दे रहा है। ये जो आपके इतने पेपर्स हैं इसमें ये कोर सब्जेक्ट्स होंगे, मिनिमम आपको ये पढ़ना है इंटर लेवल के ऊपर, फाइनल लेवल्स के ऊपर। फिर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितनी होगी, कितनी है ट्रेनिंग प्रैक्टिकल? 3.5 years। तो ये जो IFAC की गाइडलाइन यहाँ पे हो गई थी मिनिमम 3 years। सो आप टफ कर सकते हैं उससे, जैसे IKEP में 3.5 years किया, कुछ बॉडीज 3 years भी रख सकती हैं, लेकिन कोई 2.5 साल में नहीं बनेगा, 2.5 years। तो ये सारे रूल जो बने हुए ना IKEP ने जो बनाए हुए हैं, ये सब वहाँ से आ रहे हैं कि कितने पेपर्स पास करने हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, नॉन कोर कौन से हैं। तो ये सब इस तरह इसके जिम्मे, डिफरेंट बोर्ड्स के जिम्मे। ये पब्लिक सेक्टर का ऑडिट कैसे करना है, इसके लिए अलहदा स्टैंडर्ड है, पब्लिक सेक्टर के जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसका अलहदा बोर्ड। तो हमारे सिलेबस में IFAC और थोड़ा सा रोल ऑफ IAASB। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, IAASB का रोल देखते हैं।
ये हो सकता है थोड़ा सा वो कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि IWSB क्या है और इसके रोल्स एंड फंक्शंस क्या ये काम करते हैं. IWSB इज वन ऑफ द बोर्ड्स विद इन IFAC. इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी दैट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट बाय सेटिंग हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग, अश्योरेंस एंड अदर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स. ये सारी चीजें हम कल देख चुके हैं वर्ड्स, राइट. And by facilitating the convergence of international and national auditing and assurance standards. और ये भी देखता रहता है कि अगर किसी member body ने, member country ने अपने भी auditing standard बनाए हैं तो वो international standards से उसमें क्या contradiction है, और फिर ये कोशिश करता है कि उस country के standard setter से मिल के उनको resolve करें और एक पेज के ऊपर लेके. कन्वर्जेंस का मतलब है कि उनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं. बाय द वे, अगर कभी किसी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या किसी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अंदर लोकल लॉ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कोई क्लैश आ जाए तो फिर किसको फॉलो करना होता है? लोकल लॉ. इसीलिए इनकी कोशिश होती है कि ये डिफरेंस है तो वो खत्म किया जाए, क्योंकि फिर लोकल लॉज फॉलो होंगे. लोकल लॉ फॉलो होंगे तो वो उस कंट्री के लिए तो सही है, लेकिन आप इंटरनेशनल ऑडिट की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें. IFAC तो इंटरनेशनली सोच रहा है कि ये फाइनेंशियल, इनकी ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ओपिनियन वर्ल्ड ओवर यूज होती हैं, तो अगर वो कोई ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा तो फिर वो लोकल लॉ के लिए तो ठीक है, बट इंटरनेशनली वो कंपेरेबल नहीं रहेगा अदर एंटिटी से. तो इनकी कोशिश होती है कि ऐसा कोई डिफरेंस ना आए और अगर आए तो उसको रिजॉल्व किया जाए, और अगर वो रिजॉल्व ना हो रहा तो कोई लेटर लिख दिया जाए, कोई थ्रेट किया जाए, ऐसे कर दे नहीं तो वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे तो अच्छा. एंड यू नो द रेस्ट. अच्छा जी. इन डूइंग सो IWSB एनहांसेस द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द ग्लोबल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस प्रोफेशन. सो बस थोड़ा सा आपने ये इसमें रोल याद रखना है कि इसका काम है कि ये डिफरेंट, ये जो चार टाइप के स्टैंडर्ड्स हमने कल देखे इनको सेट करता है. इसमें इम्प्रूवमेंट भी आती रहती है, नए स्टैंडर्ड्स भी आते रहते हैं, और साथ साथ इसका मेन काम है कि अगर लोकल लॉ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस आए उसको रिजॉल्व करें और कन्वर्ज करें. अगला आते हैं पैराग्राफ 4.3, और पैराग्राफ 4.3 इसलिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है कि ये जो IWSB है, अगर इसने कोई एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाना है किसी इशू पर तो स्टैंडर्ड बनाने का प्रोसेस क्या है, मतलब इसका क्या मतलब, ये स्टैंडर्ड कैसे बनता है? क्या स्टैंडर्ड ऐसे बनता है कि सारे लोग एक कमरे में बैठ जाते हैं, 8-10 लोग? बाय द वे IWSB के 21 मेंबर्स हैं, 21 मेंबर्स का एक बोर्ड होता है, तो वो जनाब एक कमरे में बैठ जाते हैं और काम करते रहते हैं, बाहर आते हैं, स्टैंडर्ड आ गया, स्टैंडर्ड आ गया, स्टैंडर्ड आ गया, ये आपने फॉलो करना है, सारी दुनिया में वो कहते भाई ये कल से आपने स्टैंडर्ड. तो नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा ट्रांसपेरेंट है, ओपन है. जो जो डेवलपमेंट हो रही है स्टैंडर्ड बनने में, सारी मेंबर बॉडीज की उसमें इनपुट पहले दिन से लेके एंड तक जो है उनको इंक्लूड किया जाता है, तो एक एक ट्रांसपेरेंसी है. तो वो हम देखने लगे हैं पैराग्राफ 4.3 में कि हाउ एन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंसी. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक प्रोसेस, एक फ्लो की सूरत में इसकी डायग्राम बना देता हूँ कि एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, और बाय द वे ये जो हम प्रोसेस पढ़ने लगे हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ऐसे बनते हैं. वो जो आपने IS2 देखा है, आप देख रहे हैं IS16 देख रहे हैं, वो भी ऐसे ही बनते हैं. तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबका बनने का प्रोसेस इज सेम. कैसे जी स्नाप स्टैंडर्ड कैसे बनता है? फर्स्ट फेज, मैं यहाँ पे वो फेजेस लिख रहा हूँ. रिसर्च एंड कंसल्टेशन, ट्रांसपेरेंट डिबेट, एक्सपोजर ड्राफ्ट, Thank you.
री एक्सपोजर ड्राफ्ट इफ नेसेसरी, वहाँ पे आइडिया ड्रॉप हो गया, उसके बाद मैंने नीचे लिखा अफर्मेटिव अप्रूवल, और उसके बाद मैंने लिखा ISS. ये ISS का भी प्रोसेस है, ISRE, ISAE, IS, कोई भी स्टैंडर्ड हो, श्रम बनेगा, प्लीज नोट कीजिएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। अफर्मेटिव अप्रूवल के सामने हम ऐड कर लेते हैं 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इसका मतलब ये 2/3 मेजोरिटी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड बनाने के लिए फर्स्ट फेज ये है कि ये जो IEEE का बोर्ड है, ये कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं दुनिया की तरफ से, रेगुलेटर्स की तरफ से, कंट्रीज की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है कि भाई इस एरिया में कोई गाइडेंस प्रिपेयर करें, हमें ऑडिट करते हुए इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा सा पहले जो एक लेटेस्ट स्टैंडर्ड बना है वो है फेयर वैल्यू एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का एक स्टैंडर्ड है ISA 540, के फेयर वैल्यूज और अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैनेजमेंट बनाती है उसका ऑडिट कैसे करें। तो वो प्रॉब्ली वहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई होगी कि जनाब हम कॉस्ट ऑडिट तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स फेयर वैल्यू पे बेस कर रही होती हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पे बेस कर रही होती हैं, तो उसका कैसे ऑडिट किया जाए। तो फिर ये प्रोजेक्ट टेकअप किया होगा IEEE ने, इसके ऊपर अपने तौर पर कुछ रिसर्च और कंसल्टेशन की विद इन हाउस, अपने तौर पर कोई दूसरे बॉडीज और इधर उधर से चेक किया कि क्या क्या उसके ऊपर मटेरियल अवेलेबल है। वो अपने तौर पर रिसर्च और कंसल्टेशन करने के बाद फिर उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट डिबेट की, और ये ट्रांसपेरेंट डिबेट का मतलब है कि जो IEEE की जितनी मीटिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो ओपन टू पब्लिक, पब्लिक का मतलब है वो जितनी मेंबर बॉडीज हैं वो भी देख रहे होते हैं उसके अंदर, और वो यूजली मीटिंग जो हैं वो ऑनलाइन हो रही होती हैं, तो हर बॉडी जो है उसमें पार्टिसिपेट देख रही होती है कि किस तरह से सोच रहे हैं, क्या आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, कैसे ड्राफ्टिंग हो रही है। तो वो कमरे के अंदर नहीं हो रही, बंद कमरे में नहीं हो रही, बल्कि वो डिबेट ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मीन्स ओपन टू मेंबर बॉडीज। ये सारा काम करने के बाद इसमें कुछ साल दो साल लग जाते हैं इस काम में, और उसके बाद फिर एक वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो एक्सपोजर ड्राफ्ट है, ये समझ लें एक स्टैंडर्ड की एक अर्ली शक्ल है एक्सपोजर ड्राफ्ट, ये भी एक स्टैंडर्ड ही है बट अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ, ये उन्होंने एक लुक अलाइक स्टैंडर्ड बनाया एक्सपोजर ड्राफ्ट। इस वक्त भी बहुत सारे पाइपलाइन में एक्सपोजर ड्राफ्ट पड़े हुए हैं जो कि कुछ अरसे के बाद हो सकता है स्टैंडर्ड बन जाए। सो एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब है कि एक ड्राफ्ट बनाया पेपर हमने जो कि एक्सपोज किया है पब्लिक को, तो उन्होंने फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया, और वो एक्सपोजर ड्राफ्ट अपने जितने 175 मेंबर्स हैं और 130 एसोसिएट्स हैं उन सबको उसकी कॉपी भेजते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में, और एटलीस्ट 4 मंथ्स का टाइम देते हैं 120 डेज कि जनाब आप इस एक्सपोजर ड्राफ्ट को खुद भी पढ़ें, और जिस IGAP में आया होगा आता है एक्सपोजर ड्राफ्ट, और अपने आप मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। इन्होंने IGAP को भेजा और IGAP अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, और टोटल टाइम एटलीस्ट 120 डेज दिए जाते कि आप इसको पढ़ें, सोचें, समझें, हम ये स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं, इससे आपको क्या इफेक्ट होगा, आपके ख्याल में अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, आप अपने कॉमेंट्स दीजिए हमें विद इन 120 डेज। फिर वो IGAP में आते हैं और फिर IGAP हमें मेंबर्स को ईमेल करता है कि एक्सपोजर ड्राफ्ट आया है, आप हमें कॉमेंट दो। हमें 60 डेज या 40 डेज का टाइम देता है, तो मेंबर्स जिन्होंने कॉमेंट करना होता है वो कॉमेंट करते हैं, IGAP लेवल के ऊपर वो कॉमेंट्स फिर सारे इकट्ठे होते हैं, और वो सारे कॉमेंट्स फिर भेजते हैं हम IEEE से, सारी दुनिया से कॉमेंट्स आते हैं।
तो 120 डेज का एटलीस्ट टाइम जरूरी है, फिर उन कमेंट्स को कंसिडर किया जाता है उस बोर्ड लेवल के ऊपर। भाई अच्छा आई कैप से ये कमेंट्स आए, ICW से ये आए, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट से ये आए, उन कमेंट्स को कंसिडर करके हो सकता है ये स्टैंडर्ड बनाने का आइडिया ही ड्रॉप हो जाए। तो दुनिया कहे कि मुख्तलिफ कि भाई ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये तो ऐसे नहीं होगा और बड़े मुश्किल हो जाएगी, हमारा लोकल लॉ इजाज़त नहीं देता, तो कई स्टैंडर्ड जो हैं वो फिर इस फेज के अंदर आके वो आइडिया ड्रॉप हो जाता है। कमेंट्स कंसिडर हुए, उसके बाद यूजुअली ये होता है कि इस एक्सपोजर ड्राफ्ट में फिर कुछ चेंजेस की जाती हैं, कुछ नए पैराग्राफ्स ऐड किए जाते हैं, कोई रिक्वायरमेंट निकाली जाती हैं, कुछ चेंजेस लाई जाती हैं। सो फिर हो सकता है कि वो एक्सपोजर ड्राफ्ट को री एक्सपोज करना पड़े, चेंजेस करके कमेंट्स कैंसिल दोबारा से, और फिर दोबारा से 120 डेज दोबारा से कमेंट्स और दोबारा से चीज़ें, तो चलता रहता है ये 2-3 साल का मिनिमम प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। अब ये जो री एक्सपोजर ड्राफ्ट है, कमेंट्स आए, फिर सारा कुछ होते होते ये एक्सपोजर ड्राफ्ट स्टैंडर्ड का बनेगा जब अफर्मेटिव अप्रूवल आ जाएगी। और अफर्मेटिव अप्रूवल का मतलब है कि जिस तरह मैंने अगर आपको बताया IEEE के 21 मेंबर्स हैं तो एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स इसके हाथ में यस करेंगे, हाँ जी ये रेडी है हमारी तरफ से अभी स्टैंडर्ड बनाया जाए। सो 2/3 का मतलब है कि कितने मेंबर्स, एटलीस्ट 14 लोग इसके हक में होंगे तो स्टैंडर्ड बनेगा, सिंपल मेजोरिटी से भी नहीं बनेगा, 50% भी नहीं होगा, ठीक है, इट हैज टू बी 2/3 अफर्मेटिव अप्रूवल चाहिए फिर स्टैंडर्ड बनता है। तो ये स्टेजेस हैं स्टैंडर्ड की, रिसर्च एंड कंसल्टेशन, ट्रांसपेरेंट डिबेट, एक्सपोजर ड्राफ्ट, कंसिडरेशन ऑफ कॉमेंट्स, री एक्सपोजर ड्राफ्ट इफ नेसेसरी, अफर्मेटिव अप्रूवल, और उसके बाद स्टैंडर्ड बनता है। ये यहाँ पे इस तरह इन्होंने डिस्क्रीटली इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पैराग्राफ 4.3 के अंदर जो मैंने आपके साथ एक सिंपल सी एक फ्लो बना के, इट्स नॉट अ डायग्राम एक्चुअली, इट्स अ फ्लो, प्रोसेस का फ्लो बना के मैंने आपके साथ शेयर किया। ये अब आपने अपने तौर पर देखना, नेवर बीन टेस्टेड, क्योंकि जाहिर है जिस पैराग्राफ के साथ मैं नहीं लिखवा रहा टेस्ट, इसका मतलब वो कभी टेस्ट नहीं हुआ, बट चांसेस हैं कभी ना कभी, तो देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखें। और लेकिन होगा मैक्सिमम ये 3-4 मार्क्स के लिए। पैराग्राफ 4.4 जी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स, ये जनरल सी बात हो रही है कि जिस तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं इस तरह ना एक प्रैक्टिस स्टेटमेंट भी होते हैं, जिस तरह आपने शायद सुनो IFRS होते हैं और फिर एक IFRIX होती हैं, इंटरप्रिटेशन होती हैं, इस तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की इंटरप्रिटेशन, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स। वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हमें कोई इसके ऊपर वरी करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड तो मेन होता है उसकी एक्सप्लेनेशन, कई दफ़ा गाइडेंस के लिए कोई एक प्रैक्टिस स्टेटमेंट, जिस तरह IFRS की इंटरप्रिटेशन के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी है, वो IFRIX बनाती है, इस तरह ये प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स जिसे कहते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। 4.5 में जस्ट हमने ये नोट किए थे कि व्हाट डज दीज स्टैंडर्ड्स स्टैंड फॉर, डिफरेंट नाम थे उनके, और जनरल बातें हो रही हैं। अब आए पैराग्राफ 4.6, एक स्टैंडर्ड का यहाँ पे हमें रेफरेंस दिया गया है ISA 200। एक्चुअली ये हमारा जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ये पहला स्टैंडर्ड है। एक चीज शुरू में हम याद रख लेते हैं, हमें कोई स्टैंडर्ड का नंबर और नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कभी एग्जाम में कहीं लिखने की इसकी जरूरत है, ना कोई स्टैंडर्ड का नंबर ना स्टैंडर्ड का नाम, हमें स्टैंडर्ड के काम से गर्ज है कि वो क्या, वो आनी चाहिए विदाउट नेमिंग द स्टैंडर्ड नेम या उसका नंबर जो है, ठीक है। सो जस्ट ये एक रेफरेंस के लिए कि ISA 200 ये पहला स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड के अंदर बेसिकली ऑडिट करने के ऑब्जेक्टिव सेट किए गए कि ऑडिट हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, उसे क्या तरीके, यानी कि एक समझ जाए कि ओवरव्यू है। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग, उसमें ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है जो एक टोन सेट करता है कि भाई ऑडिट करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने कैसे मीट करना है, ज़रा ओवरऑल बेस के ऊपर डिटेल्स आगे बहुत सारी हैं। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड हाउ दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, सो दिस पैराग्राफ कैन बी इम्पॉर्टेंट, अगेन नेवर बीन टेस्टेड, बट इसके अंदर लास्ट अटेम्प्ट से कुछ थोड़ी सी इसमें चेंज आई है इस पैराग्राफ के अंदर, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ज्यादा अच्छा डिटेल लिख दिया है। अच्छा जनाब, एज पर ISA 200 अगर हम बात करें व्हाट आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, तो आपने याद रखना है ऑडिट करने के एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जी, R² R R, दो ऑब्जेक्टिव हैं जी। फर्स्ट बुलेट में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट करने का मकसद है टू ऑब्टेन आर से रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस
about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements. So pehla maqsad ye humne kal pad liya, reasonable assurance humne deni. Aur dusra objective hai 2R se agle bullet mein report. To report on the financial statements and communicate as required by ISA. So ISA 200 mein audit ke do objectives R square. To obtain reasonable assurance aur uske baad to issue an audit report. So reasonable assurance and report. Ab agla sawal ye hai ki objective to set ho gaya. Ab ISA 200 hume further guide kar raha hai ki ye hamara objective ho gaya. अब अगला सवाल है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे. ये जो दो मकसद हमने आपको सेट करके दिए ऑब्जेक्टिव, अब हम ही बताएंगे कि आप इन ऑब्जेक्टिव्स को कौन कौन से स्टेप्स लेके अचीव कर सकते हैं. तो उसके लिए स्टैंडर्ड ने 5 स्टेप्स दिए हैं, तो वो हम बनाते हैं कैसे अचीव करेंगे. ऐसे में आई सी जस्टिस आई सी और जे से जे डॉट कर लें बेशक. वो जो जुनेद शमशेद जो है ना आई सी जुनेद जा रहा था एकदम मुझे नजर आ गई जे डॉट. ठीक है जी आई सी जे डॉट. अच्छा अब देखते हैं इन 5 चीजों से. तो ये 5 स्टेप्स हैं. क्यों हम लगा रहे हैं? क्योंकि हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है. इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है ये 5 काम कर रहे हैं. आइए जनाब ISA 200 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू फर्स्ट बुलेट टू कंप्लाई विद ऑल ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. यानी आप ये ऑब्जेक्टिव तभी अचीव कर सकते हैं स्टैंडर्ड कह रहा है जब आप मैंने जितने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बना के दिए हैं जब आप उन सारे स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा. दूसरा स्टेप टू कंप्लाई विद रेलेवेंट ISA एथिकल रिक्वायरमेंट. ये जो हमारे दूसरे बोर्ड ने कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं आपने उनको भी कंप्लाई करना है अगर आप अपना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं. सो एथिक्स को भी फॉलो करना है, ऑडिटिंग जितने ISAs हैं सारे उनको भी फॉलो करना है. नेक्स्ट है जी प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद प्रोफेशनल S से स्केप्टिसिज्म. ये कंप्लीट वर्ड है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. S यहाँ से हमने पिक किया और अभी हम थोड़ी सी इसकी बात करेंगे. और अगर आप गौर करें तो प्रोफेशनल के ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट स्टार लगा हुआ है स्टेरिक और नीचे पेज के एंड पे वो स्टेरिक से स्टार से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सप्लेन किया गया. ठीक है तो अभी इसके ऊपर हम भी आते हैं. पहले जरा ये 5 पॉइंट्स बना लें फिर देखते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है. नेक्स्ट है जी ऑडिटर नीड्स टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जे से जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट. सो हमें जजमेंट्स भी जो है एक्सरसाइज करनी है. अच्छा एक काम और करें जिस तरह प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ एक सिंगल स्टार लगा हुआ था ना इस तरह प्रोफेशनल जजमेंट के साथ डबल स्टार मार्क कीजिएगा. और नेक्स्ट पेज पे देखें 2 पैराग्राफ छोड़ के आपको ये डबल स्टार के साथ प्रोफेशनल जजमेंट भी एक्सप्लेन होता हुआ नजर आ रहा है. तो फिर अभी हम उस पर भी जाएंगे. पहले यहाँ पे वो शायद स्किप हो गया ओमिट हो गया. प्रोफेशनल जजमेंट के साथ डबल स्टेरिक स्टार मार्क कर लीजिए. 5वां काम जो हमें करना है ताकि हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें वी नीड टू अपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ISA एविडेंस टू अलाउ हिम टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस. और मैं चाहूंगा इस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के साथ 3 स्टार्स मार्क कर लें. 3 स्टार्स. और नेक्स्ट पेज के मिड में देखें एक स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसके साथ स्टार वहां भी नहीं लगे तो वहां भी 3 स्टार्स मार्क कर लें मिड में. एक पैराग्राफ है यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट उसके नीचे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो 3 स्टार्स के साथ मैच हो जाएगा. ओके जनाब तो एज पर ISA 200 हमने ऑडिट कैसे करना है ये 5 काम करने हैं. वेरी गुड ये 5 काम करने हैं तो हम सही ऑडिट कर सकेंगे. अगर ये 5 काम ना किए कोई एक भी ना किया तो हमारा ऑडिट ठीक नहीं होगा. इसमें आई क्या है ISA सारे के सारे कोई एक पिक एंड चूज नहीं ऑल ISAs मस्ट बी कंप्लाइड.
एस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ ऑडिट करना है, दो ई हैं, एथिक्स को फॉलो करना है और कौन सा एविडेंस लेना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी, हमें राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी में चाहिए। और इसके ऊपर पूरा एक आईएसए है चैप्टर 4 के अंदर के सफिशिएंट क्या होता है, अप्रोप्रिएट क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। सो एक एथिक्स हो गया और एक एविडेंस हो गया और जे प्रोफेशनल जजमेंट्स भी हमें ऑडिट के अंदर यूज करनी है। सो आइए वन बाय वन इन टर्मिनोलॉजीज को जो हमने स्टेरिक्स मार्क किए थे वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेरिक वॉज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा जी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला जो छोटा सा पैराग्राफ है टर्म, इसके साथ दो अटेम्प्ट्स आपने नोट करने हैं। दो दफा ये कॉन्सेप्ट पूछा गया एग्जाम में, व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सो इस पैराग्राफ के साथ आपने दो अटेम्प्ट्स नोट करनी है। 16 मार्च क्वेश्चन नंबर 6E 3 मार्क्स नॉलेज, 16 मार्च क्वेश्चन नंबर 6E 3 मार्क्स नॉलेज। दूसरी अटेम्प्ट नोट कीजिएगा 19 सितंबर क्वेश्चन नंबर 2A अगेन 3 मार्क्स और इस दफा K/S अपीयरेंस वाज अ सिनेरियो बट एक्चुअली वो सिर्फ नॉलेज बेस ही। सो 19 सितंबर 2A 3 मार्क्स K/S। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है जी। ओके, ये ऑडिट में बहुत ज्यादा टर्म यूज करेंगे कि ऑडिटर का जो एटीट्यूड है वो एक खास किस्म का होना चाहिए। ऑडिटर का एटीट्यूड वो क्या है एटीट्यूड, दो चीजें उस एटीट्यूड में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में जो आप नोट करेंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड, एक माइंडसेट है दैट इंक्लूड्स ए नंबर वन क्वेश्चनिंग माइंड, अंडरलाइन कीजिएगा क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, एंड एक अंडरलाइन कीजिएगा क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ टू थिंग्स, क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब ये कि ऑडिट करते हुए आपने क्वेश्चंस रेज करने हैं। क्लाइंट आपको कोई डेटा देता है, कोई इन्फॉर्मेशन, आप कहेंगे ये ऐसे लिखा हुआ है, आपने और डिटेल दी थी उसमें तो ऐसे लिखा हुआ था, इस बात का क्या मतलब है, ये बात ऐसे नहीं लग रही है तो ऐसे होगी। तो बड़ा अलर्ट होके क्वेश्चनिंग माइंड के साथ आपने ऑडिट करना है। और ये जो खसूसियत है ना क्वेश्चनिंग माइंड वाली, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें होते हैं, वो बहुत सवाल करते हैं, बहुत तंग करते हैं, ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं होता, आपने तो कल ये कहा था, अब आज आप ये कह रहे हैं, आप तो घर पे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि मैं आपके फ्रेंड को कहूँ कि आप घर पे नहीं है, आपने तो कहा था झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, तो अब आप ये झूठ नहीं है, तो मतलब तंग करते फजूल, मतलब समझते नहीं है। सो ऑडिटर को भी, ऑडिटर को समझ नहीं आनी चाहिए, उसको बहुत सवाल पूछने चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, वो लल्लुओं की तरह ऑडिट नहीं करते। अब जो दिया ले लिया फाइल, हाँ ठीक है जी, वो डिटेल पंच की फाइल में लगाते गए, ये कि भाई आप क्या काम उस पर करें। सो क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों में बहुत ये इस तरह की खासियत होती है। दूसरा एटीट्यूड, दो एटीट्यूड का नाम मिलके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बनता है। दूसरा है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो भी क्लाइंट आपको एविडेंस दे उसको क्रिटिकली असेस करें, क्रिटिक बन जाए बहुत ज्यादा। और ये जो खासियत होती है ना, खसूसियत होती है कि हर चीज में कीड़े निकालना, ये जो बड़े बूढ़े लोग एल्डरली लोग होते हैं उनमें होते हैं, और भाई ऐसे वक्त हमारे वक्तों में तो ऐसे नहीं होता था, ये ऐसे नहीं करते, ये ऐसे करते हैं, ये ठीक नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे, कहाँ जा रहे हैं, मगर के बाद बाहर नहीं जाते, और ये नहीं कर, ये ऑडिटर ने ऐसे क्रिटिकल, जो ऑडिटर को एविडेंस मिलेगा उसको क्रिटिकली असेस करना है। आपको लगे ये डाउटफुल है, कंफर्मेशन लें, सप्लायर को फोन करें, उसको भेजें, यार ये आप ही की इनवॉइस है, मुझे जाली लग रही है, ये सही नहीं है क्या, क्रिटिकली असेस करना है। सो ऑडिटर एक अजीबो गरीब मखलूक बन जाती है जिसमें वयक वक्त एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा भी है और उसमें एक बड़े बूढ़ों वाली कसरत भी है, वो हर वक्त जो है ना वो अजीब सी कोई चीज है ऑडिटर। और इसको हम कहते हैं कि इट्स एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब कि ऑडिट आपने ऐसे करना, ऐसे ऐसे नहीं ऑडिट करना, ठीक है, ऐसे ऑडिट करना।
वो मीम नहीं था वो यूं वाला ऐसे ये क्या कर दिया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड नंबर वन एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये दो दफा ये चीजें पूछी गई हैं अच्छा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में कुछ और भी आगे एक्सप्लेनेशन जो है वो दी जा रही है नेक्स्ट पेज पे है हमें कुछ एग्जांपल्स दी जा रही है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की फिर उसके बाद कुछ एडवांटेजेस दिए जा रहे हैं ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अगर आप अप्लाई करते हैं जो कि करना है तो क्या फायदे होंगे उसके तो ये दोनों चीजों को भी हम जरा इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं इसी निमोनिक के अंदर हम कोशिश करते हैं सो ये एस फॉर स्केप्टिसिज्म इसके अंदर बुक में दो ये नई चीजें एडिशन हुई है इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जाम्पल्स और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करने के कुछ एडवांटेजेस तो वो तीन तीन है आई गेस तीन एडवांटेजेस हैं और तीन एग्जाम्पल्स हैं तो इसका भी एक निमोनिक बना लेते हैं हमें वो एग्जाम्पल्स भी याद रहेंगी और उसके बाद हमें नादरा में जाते हैं ना तो वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक लेना FRC सो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने की और तीन एडवांटेजेस हैं वो हैं जनाब ये यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया को इस तरह से एब्रिगेट किया जाता है UGA यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया US के अंदर आए जनाब एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहने को तुमने कह दिया इट्स मेंटेनिंग एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड and critical assessment of audit evidence. But इसकी तीन examples क्या हो सकती हैं? Number one, आपने professional skepticism कैसे maintain करना है, कहाँ maintain करना है, उसकी examples क्या हैं? वो तीन examples में first है, audit evidence that C से contradicts other. यहाँ पे आपने professional skepticism show करना है, चुप नहीं बैठना, आपने कहना है कि ये evidence तो कुछ और बता रहा है, मसलन management ने कहा था हमारे ख्याल में हम case हार जाएंगे और 4 million की provision होनी चाहिए, आपने legal advisor से confirm किया, वो कह रहा है कि 8 million की provision होनी, तो ये contradiction, आपने silent नहीं बैठना, management के पास जाना, देखिए legal advisor ये कह रहा है, आप क्यों कह रहे हैं 4 million, तो इसको resolve करें, यहाँ पे आपने professional skepticism, questioning mind and critical assessment of audit evidence. दूसरा आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दूसरी एग्जांपल इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द आर से रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्टर आपको लगे अरे यार ये तो फेक है मसलन आप फर्स्ट करें पूरी इतफाक से कल सॉल्ट एंड पेपर गए थे आपके पास भी वॉलेट के अंदर सॉल्ट एंड पेपर का बिल है क्लाइंट के अंदर भी एंटरटेनमेंट में सॉल्ट एंड पेपर का बिल है पर ये उस तरह का नहीं है है ना वो ब्लैक कलर में था ये ब्लू में है ये तो लेजर प्रिंटर के वो लग रहा खुद ही बनाया हुआ बिल ठीक है तो आपने जहां आपको लगे कि डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं है वहां पे भी आपने फिर छोड़ना नहीं है उसको सही है तीसरा कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ एफ से अगर आपको लगे कि कहीं पे फ्रॉड के चांसेस है फ्रॉड हो रहा है तो भी फिर आपने फिर तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म चाहिए अब उसके बाद है व्हाट आर द थ्री एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट और ये थ्रू आउट द ऑडिट हमने अप्लाई करना है वो जो 7 स्टेजेस ऑफ ऑडिट है हर स्टेज में हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म चाहिए होता है क्या फायदा है जी इसका फायदा ये होगा कि मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ नंबर वन ओवरलुकिंग यू से अनयूजुअल ट्रांजेक्शन अनयूजुअल ट्रांजेक्शन के ओवरलुक होने के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे ओवर जी से जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन ओवर जनरलाइज का मतलब है कि हर चीज आप खुद ब खुद एक्सप्लेनेशन बनाना शुरू करते हैं ऐसे हुआ होगा क्लाइंट ने ऐसे किया अरे इसका ये वजह हो सकती है भाई आप खुद क्यों उनके एडवोकेट बन रहे हैं तो फिर वो चीज खत्म हो जाएगी जब आपसे कहा जा रहा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म देखें मसलन आप कहेंगे ये रिकॉर्ड ये 4 वो ये उससे गलती हो गई हो भाई ये 4 ही लेकिन ये गलती से उसने 8 लिख दिया मुझे पता है भाई आप कौन होते हैं करने वाले आप ओवर जनरलाइज ना करें इसको रिजोल्व करें तो फिर वो चीजें आपको रिजोल्व करनी पड़ेंगी वो स्टैंडर्ड कह रहे हैं ना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करना है तो फिर आप ओवर जनरलाइज ओवर सिंप्लीफिकेशन से खुद ब खुद जस्टिफाई करने से चीजें जो हैं वो बच जाएंगे और तीसरी चीज है तीसरा एडवांटेज है यूजिंग इन अप्रोप्रिएट ए से अजम्पशंस इन डिटरमिनिंग द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ सो दिस ये तीन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जब जब वो 3 मार्क्स के लिए टेस्टिंग हुई थी ना तो सिर्फ समझे वो डेफिनेशन ही लिखनी थी अब ये लेटेस्ट ऐड हुआ है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की 3 एग्जांपल्स और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के 3 ये आपसे लेटर भी पूछा जा सकता है स्ट्रेट 3 एग्जांपल्स
वेयर ऑडिटर एक्सरसाइजेज इट्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. तो फिर यही लिखना है आपने जवाब. और साथ अगर वो कहता है एग्जाम्पल्स एंड एडवांटेजेस, तो फिर ये लिखना. और वो टोटल अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर 6 मार्क्स पूछ रहे हैं मार्क्स, तो फिर क्या लिखना है? डेफिनेशन भी लिखनी है, एग्जाम्पल भी लिखनी है, और ये आपने मार्क्स के साथ देखने और रिक्वायरमेंट पूछ लिया और मार्क्स में वो गाइड करेंगे. सेकेंड बुलेट था हमारा जे डॉट वाला प्रोफेशनल जजमेंट. हमें ऑडिट के अंदर प्रोफेशनल जजमेंट्स भी एक्सरसाइज करनी है. आए पढ़ते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में. इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडिंग बाय ऑडिटिंग अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट द कोर्सेज ऑफ एक्शन दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑडिट. नथिंग टू रिमेंबर, नथिंग टू बी टेस्टेड. जजमेंट का मतलब है जिस तरह मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए अपनी जजमेंट्स यूज करती है एस्टिमेट्स में, फिर इस तरह ऑडिटर ने भी ऑडिट करते हुए बहुत जगह जजमेंट्स एक्सरसाइज करनी है. एक एग्जाम्पल जो जजमेंट हम जहाँ पे यूज करते हैं मटीरियलिटी का, जब हम थ्रेश होल्ड डिटर्मिन करते हैं, कुछ थ्रेश होल्ड गिवन है बट हम अपनी जो है फिर उसके अंदर जजमेंट जो है वो यूज कर रहे होते हैं कि ये अमाउंट मटीरियल है या नहीं है. सो ऑडिट में जजमेंट्स भी यूज करते हैं. इसका एग्जाम से इतना ज्यादा ताल्लुक फिलहाल इस डेफिनेशन का नहीं है, लेकिन जजमेंट के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ रही हैं. जिस तरह एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था, हम ऑडिट में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. इस तरह प्रोफेशनल जजमेंट की भी एग्जाम्पल्स आ रही हैं कि हम कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं बुक में. चूंकि अब ये नया ऐड हुआ है कि जजमेंट्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं, ये एग्जाम्पल्स भी हैं. जिस तरह ये एग्जाम्पल्स नहीं, इस तरह ये जजमेंट की भी एग्जाम्पल्स हैं कि हम ऑडिट में कहाँ कहाँ जजमेंट्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं. अच्छा जी, इसके लिए भी फिर एक निमोनिक का बना लेते हैं. CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान MER, CJP MER, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैनेजेस एनवायरमेंटल रिसोर्सेस. भाई मेरा निमोनिक है, मैं जो मर्जी बनाऊ, ठीक है? आपको इससे बेहतर बनता है तो आप बना दीजिए, ठीक है? सो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैनेजेस एनवायरमेंटल रिसोर्सेस. अभी तो चैप्टर वन में ही 6-7-8 निमोनिक हो गए हैं, 15 चैप्टर हैं, अंदाजा लगा लें आप, ठीक है? अच्छा जी, यूजेस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. नंबर वन, एम से जो मैंने एग्जांपल भी दी थी मटेरियलिटी, मटेरियलिटी डिटरमिन करने के लिए हमें जजमेंट यूज करनी होती है. इसी के अंदर एंड ऑडिट रिस्क, आर से रिस्क, ये जो मॉडरेट रिस्क इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में जाके डिटरमिन करेंगे, उसके अंदर भी हम ये जजमेंट्स अपनी यूज करते हैं. सो मटेरियलिटी एक अलहदा पॉइंट है एंड ऑडिट रिस्क इज अनदर पॉइंट इन द सेम बुलेट. नेक्स्ट है जी, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट. पी से प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, कौन से टाइप का प्रोसीजर लगाना है, किस वक्त लगाना है और ज्यादा लगाना है या कम लगाना है, इस सारे काम में भी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर के अंदर हम जजमेंट यूज करते हैं. ये ऑडिट में हम बहुत ज्यादा टर्म यूज करेंगे, नेचर एक्सटेंट एंड टाइमिंग. नेचर एक्सटेंट, नेचर का मतलब होता है किस टाइप का प्रोसीजर लगाना है, इंक्वायरी करनी है, इंस्पेक्शन करनी है. एक्सटेंट का मतलब यही कि ज्यादा या कम, और टाइमिंग का मतलब है किस स्टेज पे, वो इनिशियल पे कब, इंटरिम पे कब करना है और फाइनल स्टेज के ऊपर, जो 7 स्टेजेस है, किस स्टेज के ऊपर आपने प्रोसीजर, इसके ऊपर भी हम जजमेंट जो है एक्सरसाइज करते हैं. नेक्स्ट है जी, इवेल्युएट वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट ई से एविडेंस हैज बीन. अब सवाल था ना, मैंने कहा कि आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में, अब व्हाट इज सफिशिएंट, अब ये आपकी जजमेंट हो गया, हाँ बस काफी हो गया, नहीं अभी हमें और चेक करना है, अभी और इनवॉइसेस चेक करनी है, अप्रोप्रिएट या अप्रोप्रिएट है, तो जजमेंट्स यूज हो रही है. इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट, जे से जजमेंट, वो जो मैनेजमेंट ने जहां जहां जजमेंट्स बनाई है, केस की आउटकम, केस हारेंगे जीतेंगे क्या फाइन, उनकी जजमेंट्स को भी आपने जज करना है थ्रू प्रोफेशनल जजमेंट. सो मैनेजमेंट की बनाई हुई जजमेंट्स को भी आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से चेक करना है. सो इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. और लास्ट है ड्रॉइंग सी से कंक्लूजंस बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड. फॉर एग्जाम्पल, assessing the reasonableness of the estimates by the management. So, एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं. सी से conclusions,
ऑडिट में क्योंकि ये चीज ठीक है या ठीक नहीं है, आप उसके लिए जजमेंट यूज करेंगे। मैनेजमेंट जजमेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए आप जजमेंट यूज करेंगे। प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिटरमिन करने के लिए आप जजमेंट यूज करेंगे। मटीरियलिटी के लिए एविडेंस कि भाई एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हो गया या नहीं हो गया जजमेंट, और आर ऑडिट रिस्क के लिए। चलिए बाकी थोड़ी सी चीजें रह गई हैं ये कंप्लीट करके, और कल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ 3 से स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच।